HCS परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने से पहले रिपीट 32 सवालों पर फैसला लेगा आयोग। जींद के युवक की याचिका पर एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट में जवाब दिया। हरियाणा सिविल सर्विस HCS और एलाइड सर्विस के 100 पदों के लिए 21 मई को हुई प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने से पहले आपत्तियों पर फैसला लिया जाएगा। यह जवाब एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने गुरुवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है। जींद निवासी याचिकाकर्ता ने इस परीक्षा में 32% पिछले साल के प्रश्न पत्र में दिए जाने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। 32 प्रश्नों को छोड़ बाकी के आधार पर रिजल्ट दे सकते हैं। HPSC की ओर से आयोजित HCS एलाइड सर्विस भर्ती परीक्षा में पिछले पेपर से 32% पूछे जाने के मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि HPSC स्वतंत्र संस्था है, इसलिए यह स्वयं फैसला ले सकती है। यदि हमसे सुझाव लिया जाएगा तो यही कहेंगे कि पिछली परीक्षा के प्रश्नों को छोड़कर बाकी के आधार पर परिणाम जारी कर सकती है।